हाय गाइस, तो प्रीवियस लेक्चर को हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन दिया था कि दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं M1 एंड M2, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, एक साथ रखे हुए हैं और एक इंक्लाइन स्लोप के ऊपर है जिस स्लोप का एंगल थीटा दिया हुआ है। मैंने आपको उस टाइम पर एक्सप्लेन भी कर दिया था कि इनका जो नॉर्मल होगा, हमने सीखा है प्रीवियस लेक्चर में कि जो इन पर नॉर्मल लग रहा होगा फ्रॉम द सर्फेस, वो M1 ब्लॉक वाले मास पर M1g cos थीटा लगेगा और M2 पे M2g cos थीटा लगेगा। अब हमें बताना है कि ये जो दो नीचे स्लिप कर रहे हैं इनका एक्सेलरेशन क्या है, A1 क्या है और A2 क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम सिंपली क्या करेंगे, हमारा स्टैंडर्ड रूल है, हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, हमारे पास ये ब्लॉक है एक, ये पहले अगर M1 की हम बात करें तो M1 के ऊपर फोर्सेस क्या क्या लग रही हैं, आपको सीधा दिखाई दे रहा है कि ये इस स्लोप के ऊपर ऊपर नीचे अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन है आप इसको कह सकते हैं लेट से वाई डैश, और ये जो डायरेक्शन जो अलॉन्ग स्लोप है दैट इज लेट से एक्स डैश। मैं जस्ट एक नाम ले रहा हूँ, जो कि जैसे देखिए नॉर्मली ये जो होता है, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, दोनों के बीच एंगल होती है 90 डिग्री, वैसे ही बस एक डायरेक्शन का नाम दे रहा हूँ मैं जो कि अलॉन्ग द स्लोप है दैट इज एक्स डैश, और जो परपेंडिकुलर टू द स्लोप है दैट इज वाई डैश। तो आपको दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए ये दोनों ब्लॉक जो हैं ये परपेंडिकुलर तो कुछ नहीं मूव कर रहे हैं ना, ये इसके ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा, ये बराबर अलोंग द प्लेन ही मूव कर रहे हैं, यानी कि इनका जो भी एक्सेलरेशन होना है वो अलोंग द प्लेन एक्स डैश ही होना है ना, ठीक है। तो ये कभी भी अगर रैंडम डायरेक्शन होगा तो हमेशा ये क्या करना है, हमें देखना है कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स ड्रॉ करेंगे। तो अगर हम देखें इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है N1, ठीक है, दैट इज M1g cos थीटा, और कौन सी फोर्स लग रही है, नीचे लग रही है ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि अगर ग्रेविटी नीचे लग रही है तो इस डायरेक्शन में ग्रेविटी का कंपोनेंट क्या होगा, वो कंपोनेंट होगा M1g sin थीटा, ठीक है। तो हमें देखना है A1, यानी कि हमें निकालना है फोर्स एक्टिंग अलोंग एक्स डैश। अब इस ब्लॉक M1 पर और कौन सी फोर्स लग रही है, ये पीछे से M2 इसको पुश करेगा, ये पीछे से ऐसा, तो ये M2 इस M1 पर कुछ ना कुछ नॉर्मल तो लगाएगा क्योंकि दोनों कॉन्टैक्ट में और पुश कर रहा है पीछे से। अब खुद सोचो कि मान लो आप M1, आप खुद M1 हो, पीछे से एक बंदा दौड़ता हुआ आया आपको धक्का लगाएगा तो आप स्लाइड करोगे ना नीचे की तरफ, तो वैसे ही M1 ब्लॉक को M2 धक्का लगाएगा तो M1 नीचे स्लाइड करेगा, यानी कि पीछे से एक फोर्स लग रही है, मान लेते हैं इसको N। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गया, नेट फोर्सेस क्या है, नेट फोर्सेस है M1g sin थीटा प्लस N, ये दोनों फोर्सेस किस के बराबर लग रही हैं, इन दोनों फोर्सेस की वजह से M1 का एक्सेलरेशन आएगा लेट से A1, तो ये एक्सेलरेशन होगा M1 और एक्सेलरेशन A1 तो फोर्स हो गई M1 into A1। तो हमने क्या किया, नेट फोर्स अलोंग दैट एक्सिस, जिस एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है, तो हमेशा यही करना है जिस एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन है बस उसी एक्सेलरेशन के अलोंग आपको फोर्स लगानी है। उसी तरीके से फिर सेकेंड ब्लॉक M2 के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, ये सेकंड ब्लॉक M2 रखा हुआ है तो इसके लिए क्या इक्वेशन बनेगी, M2 पर भी ग्रेविटी का फोर्स नीचे लगेगा, वो कितना होगा, वो होगा M2g sin थीटा, ठीक है। अगेन फिर से मुझे एक्सप्लेन करने की आई होप जरूरत नहीं है कि M2 के ऊपर जो ये N2 लग रहा है दैट नॉर्मल दैट इज बैलेंस्ड बाय कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी विच इज अलोंग वाई डैश एक्सिस, है ना, जो वाई डैश एक्सिस है वो तो बैलेंस्ड है, वो हमारा N2 is balanced by M2g cos theta, ठीक है, ये हमने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो जो भी मोशन है अगेन क्या है, वो सिर्फ एक्स डैश एक्सिस के अलॉन्ग है, तो हमें इक्वेशन भी लिखनी है एक्स डैश एक्सिस के अलॉन्ग। तो इस पर एक तो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, दूसरा फोर्स कौन सा लग रहा है, सिंपल न्यूटन्स थर्ड लॉ, इसने N लगाया M1 के ऊपर तो M1 भी इस पर क्या लगाएगा, एक N लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस पर जो N लगेगा वो कैसा लगेगा, वो ऐसा लगेगा। अब हम यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखेंगे, तो एक कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये लास्ट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, इससे आपके सारे टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, कि जब आपको इक्वेशन लिखना है तो सबसे अच्छा कन्वेंशन ये होता है कि राइट हैंड साइड पर आप सिंपली लिख दो मास इनटू एक्सेलरेशन, जो भी आपका मास गिवन है और जो भी आपने एक्सेलरेशन माना, तो मान लिया इसका एक्सेलरेशन हमने A2। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखो कि जो भी फोर्स एक्ट कर रही है उसे लिखना है। अब हमारा कन्वेंशन ये है कि फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन उसे हम मानते हैं पॉजिटिव, ठीक है, जो भी एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के अलॉन्ग फोर्स है उसे हम पॉजिटिव मानते हैं क्योंकि इसी की वजह से एक्सेलरेट हो पा रहा है। तो ऑब्वियसली जो फोर्स
जो फोर्स आपकी ऑपोजिट है टू ए वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नेगेटिव। तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलॉन्ग एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ए टू ऑब्वियसली ये नीचे ही स्लिप करेगा, तो नीचे ही स्लाइड करेगा या स्लिप करेगा, तो नीचे वाली फोर्स को हम पॉजिटिव लेंगे। तो हम लिखेंगे एम टू जी साइन थीटा, और n क्या लग रहा है, ऑपोजिट लग रहा है, माइनस n इक्वल्स टू एम टू ए टू। ठीक है, तो यही आपकी दोनों इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। अब क्या करना है, अब जस्ट दो इक्वेशन हैं और अननोन है हमारे पास। अननोन कितने हैं, अननोन हमारे पास तीन है, n, ए वन और ए टू। तो अगेन चूंकि कॉन्टैक्ट बना हुआ है, इसका मतलब तभी नॉर्मल लग रही है जब इनके बीच में कॉन्टैक्ट बना हुआ है, हम यही मान के चल रहे हैं। तो जब कॉन्टैक्ट बना हुआ है इसका मतलब कि A1 और A2 क्या होंगे, A1 एंड A2 विल बोथ बी इक्वल। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि जब कॉन्टैक्ट बना हुआ है तो नॉर्मल लग रही है, और जब कॉन्टैक्ट बना हुआ है इसका मतलब कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। यानी कि इसको भी हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं सिंपली M1A, और इसको हम लिख सकते हैं सिंपली M2A। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसको सिंपली आप ऐड कर दो। ऐड करो क्या होगा, ये प्लस एन माइनस एन कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा M1 प्लस M2, ये कॉमन है ना दोनों, G साइन थीटा इक्वल्स टू, इधर से ये दोनों ऐड होगा M1 प्लस M2 A। क्या हो रहा है, ये M1 प्लस M2 M1 कैंसिल हो रहा है, तो सिंपली आपको यहाँ से इक्वेशन क्या मिल रही है, दिस A इक्वल्स टू जस्ट व्हाट, जस्ट G साइन थीटा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर ये हो गया दैट दिस A इज जस्ट G साइन थीटा। यानी कि ये दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या रहा, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम रहा। तो आप सोचिए कि हुआ क्या एग्जैक्टली, दोनों का एक्सेलरेशन सेम कैसे रहा, बिकॉज दोनों साथ में स्लाइड कर रहे हैं। अब एक्सेलरेशन G साइन थीटा है दोनों का, मुझे ये भी निकालना है कि इनमें नॉर्मल क्या काम कर रहा है। आप बस एक काम करो, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो वैल्यू, A की वैल्यू पुट करो यहाँ पर आप G साइन थीटा। जैसे ही आप A की वैल्यू G साइन थीटा पुट करोगे आप क्या लिखोगे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ऊपर में कि M1 G साइन थीटा प्लस N इक्वल्स टू M1 A की जगह पर G साइन थीटा। सिंपली क्या दिख रहा है आपको, ये और ये टर्म दोनों कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब क्या आया कि N इक्वल्स टू जीरो। तो बेसिकली क्या हमने सीखा यहाँ पर कि नॉर्मल इन दोनों के बीच में जो था वो जीरो था। अब इसका क्या मतलब है कि नॉर्मल जीरो था, हमें तो ये अज्यूम किया कि ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल जीरो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप देखो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है जी साइन थीटा। तो बेसिकली जिस एक्सेलरेशन से M1 नीचे उतर रहा था उसी एक्सेलरेशन से M2 उसको फॉलो कर रहा था। तो M2 को M1 पर फोर्स तब लगानी पड़ती ना कि अगर मान लीजिए M2 और तेजी से उतरना चाह रहा है और M1 उसको उतरने नहीं दे रहा है, तो M2 M1 को पीछे से धक्का देगा। लेकिन M2 की जो कैपेसिटी उतरने की, जो उसका एक्सेलरेशन है जी साइन थीटा, एग्जैक्टली वही एक्सेलरेशन M1 का भी है। तो दोनों को एक दूसरे पर कोई फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, इट्स जस्ट लाइक कि दोनों एक साथ स्लाइड कर रहे थे बिकॉज ऑफ सम फोर्स। तो वो फोर्स क्या थी, वो फोर्स थी ग्रेविटी। इसलिए दोनों को एक दूसरे पे धक्का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि दोनों ही सेम एक्सेलरेशन से स्लाइड कर रहे थे और ग्रेविटी दोनों को ही नीचे पुल कर रही थी, इसलिए आपका सीधा नॉर्मल क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, सिमिलर केस थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसको देखते हैं, आपको फिर पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ एक सिमिलर सिचुएशन है कि उसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जो दो ब्लॉक्स हैं, कैपिटल एम मास, एक स्मॉल एम मास, कैपिटल एम मास वाला ब्लॉक उसको फिक्स कर दिया गया। अब चाहे जैसे भी हो, दैट हैज़ बीन फिक्स्ड, मतलब ये मूव नहीं करेगा इस। अब हमें निकालना है कि ये स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में क्या नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, तो अगेन अगर हम इंडिविजुअली स्मॉल एम को देखें तो कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी रिपीटेटिव हैं, हमें दिख रहा है कि कुछ भी हो जाए अलॉन्ग दिस एक्सिस, एक तो है एक्स डैश और इसका परपेंडिकुलर एक्सिस जो है दैट इज़ वाई डैश। सो अलॉन्ग वाई डैश ये तो क्या, ये तो इक्विलिब्रियम पे ही है हर हाल में, इस प्लैंक के ऊपर नीचे तो ये करेगा नहीं, यानी कि इस इक्विलिब्रियम पर है। तो यहाँ पर हमें रिपीटेडली क्या दिख रहा है कि इसके ऊपर जो प्लैंक नॉर्मल लगा रहा है, मान लेते हैं उसको एन डैश, वो नॉर्मल किससे बैलेंस होगा, जो इसकी ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट होता है परपेंडिकुलर टू प्लैंक, यानी कि एम जी कॉस थीटा। तो एन डैश इज एम जी कॉस थीटा, ये चीज़ हमने कई दफ़ा देख ली। ओके, अब देखना है हमें कि अभी ये इस पर नॉर्मल कितना लगा रहा है। तो जितना भी ये इस पर नॉर्मल लगा रहा है तो एग्जैक्टली उतना ही नॉर्मल ये
कैपिटल एम भी इस पर लगा रहा होगा। तो इस केस में अब चूंकि ये कैपिटल एम फिक्स्ड है तो ये स्मॉल एम भी मूव नहीं कर पाएगा ना, तो स्मॉल एम का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी ज़ीरो, चूंकि मूव ही नहीं कर पा रहा है, ये तो फिक्स हो गया यहाँ पर फंस गया करके। तो अब हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, हमारे इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें हैं इस स्मॉल एम पर, एक तो नॉर्मल लग रहा है और दूसरी जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, दैट इज़ ग्रेविटी का कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दिस प्लेन एंड दैट इज़ वॉट, दैट इज़ एम जी साइन थीटा। तो नीचे वाले डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव मान लें तो हम लिखेंगे एम जी साइन थीटा माइनस एन, क्योंकि एम जी साइन थीटा नीचे की तरफ है एन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हम लिख रहे हैं माइनस एन इक्वल्स टू एम इंटू ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो। तो यहाँ से एन क्या मिल गया, यहाँ से एन आपको मिल गया एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पर आपको एन आ गया, क्यों पिछले केस में क्यों नहीं एन आया था, पिछले केस में इसलिए एन नहीं आया था क्योंकि ये दोनों ब्लॉक स्लिप कर रहे थे। जब ये दोनों ब्लॉक अगर स्लिप कर रहे होते, मान लीजिए ये फिक्स्ड हटा दें, जो भी जैमर लगा हुआ वहाँ पर वो हटा दें, जब ये दोनों ब्लॉक स्लिप करते तब इन दोनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन हो जाता, इन केस अगर ये फिक्स वाला पार्ट हटा दें तब एक्सेलरेशन होता दोनों ही ब्लॉक का जी साइन थीटा। फिर एक दूसरे पर फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, यहाँ पर फोर्स लगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि फिक्स्ड कर दिया तो स्मॉल एम नीचे जाना चाह रहा है, वो नीचे नहीं जा पा रहा है, इसलिए वो एक फोर्स लगाएगा इस पर, तो इसलिए आपको एन आ गया एम जी साइन थीटा। तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपको इतना सोचना भी नहीं है कि फाइनल रिजल्ट क्या होना है, आपको बस जो सिचुएशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखना है, अपने आप आपको सही रिजल्ट सामने आ जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक सिमिलर सिचुएशन है, बस हमने यहाँ पर एक ब्लॉक और ऐड कर दिया, अब यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं M1, उसके साथ में M2 है और ये कैपिटल M है, कैपिटल M अगेन फिक्स्ड है। हमें निकालना है कि कैपिटल M के ऊपर क्या नॉर्मल लगा रहा है ये M1, या अगर कहा जाए तो M M1 पे क्या नॉर्मल लगा रहा है, दोनों एक ही बात होगी। ठीक है, तो इस सवाल को हम क्या सॉल्व करेंगे, अगर हमें कुछ डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो अगर हम एकदम स्टैंडर्ड लॉजिक से जाएंगे तो हम क्या दिख रहा है कि चूंकि M कैपिटल M फिक्स्ड है तो स्मॉल M भी फिक्स्ड है और M1 भी फिक्स्ड है और M2 भी फिक्स्ड है, यानी कि M1 और M2 दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना है, दोनों का एक्सेलरेशन होना है अगेन जीरो। तो अगर हम जस्ट M1 को पहले सॉल्व करें तो M1 के ऊपर क्या क्या फोर्सेज लग रही हैं, Y डैश तो ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, Y डैश में इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, हमें बस देखना है अलॉन्ग X डैश जिसके अलॉन्ग स्लिप हो रही है। तो इसके ऊपर फोर्सेज क्या क्या लग रही हैं, इधर से M2 इस पर एक लगाएगा नॉर्मल, मान लीजिए उसका नाम देते हैं हम N1। फिर M1 का अपना वेट है वो हो गया आपको M1 G साइन थीटा। फिर कैपिटल M M1 के ऊपर जो नॉर्मल लगा रहा है उसका नाम है जस्ट N। तो यही तीन फोर्सेज हुई ना, एक जो कैपिटल M इस पर लगाएगा N, एक जो M2 इस पर लगा रहा है N1, और जो इसका अपना वेट है। तो तीनों फोर्सेज को हम वेक्टरली कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे M1 G साइन थीटा प्लस N1 माइनस N इक्वल्स टू, चूंकि ये क्या रेस्ट पे है, इक्वल्स टू जीरो, सिंपल। उसी तरीके से M2 भी क्या है, M2 भी रेस्ट पे है, तो हम M2 के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो M2 के ऊपर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं, M2 M1 के ऊपर लगा रहा है N1, तो जाहिर सी बात है M2 के ऊपर भी क्या लग रहा होगा, उसको भी लग रहा होगा N1। और M2 का अपना वेट क्या है, M2 का अपना वेट है M2 G साइन थीटा, ये वेट इसके अलॉन्ग है। तो इस M2 के ऊपर यही दो फोर्सेस लग रही हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे M2 G साइन थीटा माइनस N1 इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से सिंपली हमें N1 सॉल्व हो गया कि N1 हमें आ गया M2 G साइन थीटा। अब ये N1 की वैल्यू हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं ना, यहाँ यूज़ करेंगे तो हमारा इक्वेशन ये क्या बन जाएगा, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा, इसको मैं यहीं लिख रहा हूँ नीचे, ये माइनस N को मैं इस साइड लिख रहा हूँ, या चलिए आपको कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तो फिलहाल यहीं लिखता हूँ M1 G साइन थीटा प्लस N1 की जगह पर M2 G साइन थीटा और इक्वल्स टू N। तो यहाँ से हमें N क्या मिल गया, N मिल गया, ये M1 और M2 को कॉमन ले सकते हैं जो कि G साइन थीटा क्या है, कॉमन है, तो M1 प्लस M2 इंटू G साइन ऑफ थीटा। तो सिंपली देखिए कि यहाँ पर हम ये M1 और M2 इन दोनों को एक ही ब्लॉक कंसिडर कर सकते थे, तो चूंकि इन दोनों का एक्सेलरेशन एक ही है इसलिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों को अगर एक ही ब्लॉक कंसिडर करते तो क्या हो जाता, उस केस में ये M1 प्लस M2 इनका कंबाइंड मास क्या होता, M1 प्लस M2। तो हमें जो इतना सॉल्व करना पड़ा इसकी ज़रूरत नहीं है टेक्निकली, जब आपको सिंपली दिख रहा है कि इन दोनों ब्लॉक का मास, दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, दोनों ही रेस्ट पे हैं, इट मीन्स
दोनों को हम सिंगली सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंगल ब्लॉक की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो सवाल सिंपली क्या हो जाएगा कि ये जो ब्लॉक कैपिटल एम रखा हुआ है इसके ऊपर वेट कितना है, तो जो कंबाइंड वेट है वो क्या है, वो m1 प्लस m2। और हमने पिछले क्वेश्चन से क्या देखा कि कंबाइंड वेट अगर m1 प्लस m2 है तो नॉर्मल कितना लगेगा, जस्ट m1 प्लस m2 into g sin theta। तो ये नॉर्मल क्यों लग रहा है, ये नॉर्मल इसलिए लग रहा है क्योंकि ये दोनों नीचे जाना चाह रहे हैं। तो अब सिंपली लॉजिक देखो कि m2 भी नीचे जाना चाह रहा है तो m2 m1 पे नॉर्मल लगा रहा है जो आपको यहां से n1 मिला, और m1 भी नीचे जाना चाह रहा है तो वो भी नॉर्मल लगा रहा है कैपिटल m पे जो आपको यहां मिला m1 plus m2 g sin theta। मगर आप एक चीज फॉलो करो कि ये जो n है आपका दैट इज ग्रेटर देन n1। क्यों? सिंपल लॉजिक कि कैपिटल m को दो ब्लॉक्स का वेट संभालना पड़ रहा है इसलिए इस पर ज्यादा नॉर्मल लग रहा है, वही स्मॉल m1 को जस्ट एक ब्लॉक का वेट संभालना पड़ रहा है इसलिए उस पर कम नॉर्मल लग रहा है। तो जितना हम एक के बाद एक वेट रखते जाएंगे उतना यहाँ पर नॉर्मल पड़ता जाएगा, ठीक है। तो यही आपका इंक्लाइन प्लेन सिस्टम होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो सबसे फेमस न्यूटन्स लॉ का टॉपिक है दैट इज पुली एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग वो स्टार्ट करेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय।